अस्सलाम वालेकुम बसमिल एन बर्कॉक्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको शामदीद कहता हूँ फ्रेंड्स ये कल एक पेपर हुआ था सी टी आई टी का ये फुल पेपर मेरे पास मौजूद है इसको आज हल करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वर्बल एम्सिक्यूज़ हैं इसके और क्वेश्चन नंबर वन है कि फ्रेंडली एक होता है फ्रेंडली यानी दोस्त और दूसरा होता है दुश्मन ऑप्शन सी इस को आंसर है हॉस्टाइल का मतलब है दुश्मन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू डिस्पेरेज तो डिस्पेरेज का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्राइज इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं वाइडली एक होता है वो सी एक होता है narrowly ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं ये एक आपको जो है पैसेज दिया हुआ है और इसमें जो है फ्रेंड आपने इसको जो है इसके आंसर ढूंढ लेने हैं और इसका जो हम जल्दी जल्दी हल करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं एन एजुकेटेड वाम है स्किल्ड इंफॉर्मेशन टैलेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक्स हर अ बेटर डेस्ट एम्प्लॉय एंड रेजिडेंस ऑफ दी कंट्री इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मदर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं एजुकेशन इज आ एजुकेशन जो है ये क्या है ये एक नाउन है इधर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि डेश हेल्प्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एजुकेशन है इसके बाद नेक्स्ट पेज की साइड पे जाते हैं नेक्स्ट पेज वाला साइड जो है आप देख सकते हैं मैं इस साइड पे आपको दिखा देता हूँ कि चूज द सेंटेंस यानी इसको आपने कंप्लीट करना है तो क्वेश्चन नंबर सेवन है कि यू कैन यूज़ माई नाइफ़ टू कट इट टू कट इट तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं देयर इज अ सीक्रेट डेश यू एंड मी बिटवीन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज अ ब्रिज डेश द रिवर ओवर द रिवर ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है इसके बाद नेक्स्ट जो है कि uh, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है सिमिलरिटीज के तो इसको आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टेन है कि जैन ग्रेन एंड साल्ट है सो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी चिप ग्लास इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अलेवन पेन से सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रीफ कंसोलेशन इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखते हैं लाइट ब्लाइंड सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पीच डम इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सिमिलर मीनिंग इसके जो है आपने चूज uh, करने हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि कस्टम तो कस्टम का जो सिमिलर uh, मीनिंग है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का वो है हैबिट, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देखते हैं एम्प्लाय सो एम्प्लाय का जो करेक्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन ए सजेस्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को देखते हैं हॉस्टेल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हरी इसके बाद नेक्स्ट साइड पे जाते हैं ये जो है फ्रेंड अभी इसके पाक स्टडी का पोर्शन शुरू हो गया है पाक स्टडी के पोर्शन पे आप सबको लेके चलता हूँ तो ये इसका पाक स्टडी का पौर्ष, पोर्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखते हैं क्रिप्स मिशन प्रोपोज डैश फॉर इंडिया तो क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू टू यानी वर्ल्ड वार टू ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन को देखते हैं सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है कि कैद आजम मोहम्मद अली जीना वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन डेष अगस्त चौदह अगस्त ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर एटीन को देखते हैं मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो और कॉलेज वॉज इनग्रेटेड बाई डेश इन अठारह सौ सतहत्तर ये लॉर्ड लैंड ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है ने इनोग्रेट किया था इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान एंड ईरान मेंबर ऑफ पाकिस्तान ईरान जो है ये ई सी ओ आर सी डी डी एट ऑप्शन सी इसको आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखते हैं कि जनरल इलेक्शन फॉर डे लॉजिस्टर वर ही फाइव तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सेंट्रल है इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन uh, की तरफ जाते हैं तो फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखते हैं ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपल ऑफ बलूचिस्तान जॉइन पाकिस्तान ट्रू ये है ऑप्शन डी

ऑप्शन सी इसको करेक्ट आंसर सतारा अगस्त उन्नीस सौ तो सैंतालीस को ये डिक्लेयर हुआ था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को देखते हैं सर सैयद अहमद खान इज द अर्ली फेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स वॉज स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑप्शन ए इसको करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव को देखते हैं ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्डेस्ट नॉन बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी पट्टा खजाना ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट है आप इस साइड पे देख सकते हैं ये पिडिगा का पोर्शन है इसको हम स्किप कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ये सब्जेक्ट इंटिक्यूज जो हैं आ गए हैं अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं तो मैं आप सबको थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है ये सब्जेक्ट एमसीक्यू है कि अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर स्लोविंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम रिटर्न इन अ नेचुरल लैंग्वेज इसको एलोग्रिथम कहा जाता है ऑप्शन डी इसकोरेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू को देखते हैं ट्रैक ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल फाइल स्टोर इन सिस्टम इज केप्ट बाई तो ये कहाँ पर रखा जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन है कि डी डी आर थ्री एस डी आर एम रीड्स आर राइट्स डे डेष वर्ड्स ऑफ डेटा पर क्लाक साइकल तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी आठ वर्ड्स हैं ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर को देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेजर जेट प्रिंटर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इस कॉल्ड इसको क्या कहा जाता है सुपर कंप्यूटर कहा जाता है ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं नेक्स्ट पेज है तो नेक्स्ट पेज जो जो आप देख सकते हैं, ये इसका जो है नेक्स्ट पेज है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है इसका फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अस्टेट ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी ऑप्शन सी रीड ओनली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन को देखते हैं फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट टेबल स्टोरिंग और अपडेटिंग डेटा इन अ डेटा द स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज तो इसमें से जो है कौन सा लैंग्वेज जो है इस्तेमाल होता है तो इसमें एनी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होता है ऑप्शन डी इसको करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट को देखते हैं अ सेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर इस कार्ड इसको क्या कहा जाता है इसको जो है फ्रेंड्स कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन को देखते हैं फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई टू बी द नेम ऑफ ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है डिफाइन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ इज़ एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑप्शन डी आंसर है इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को, को देखते हैं 62 को देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है यूनिक एड्रेस फॉर अ फाइल दैट इज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट इज सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आईपी एड्रेस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री को देखते हैं अ टेबल इन अ डेटा बेस मस्ट सो इसका जो है सिक्सटी थ्री का ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है प्राइमरी की इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड इसको क्या कहा जाता है इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है ऑप्शन सी इसको करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव को देखते हैं इन अ सी प्रोग्राम सैम्बल यूज फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेट इन अ स्टेटमेंट इज तो इसके लिए कौन सा जो है यूज होता है इसके लिए एंड 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 यूज होता है ऑप्शन सी इसको आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स को देखते हैं सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ़ हेडिंग टेक्स लेवल इन हाईपर टेक्सट मार्क अप लैंग्वेज एस्टिमेल इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सिक्स है सो so, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सतासठ जो है ये आधा है फुल नहीं है इसके बाद फिर इसको जो है नेक्स्ट जाते हैं अठासठ की तरफ जाते हैं सो अट्ठासठ नंबर क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि लॉस ऑफ इनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिंगल एज इट ट्रेवल्स आउटवर्ड वर्ल्ड इज कॉल्ड इसको क्या कहा जाता है इसको जो है कहा जाता है एटनी एटनीशन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं इन सी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग द लूप दैट इज एक्सक्यूड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इज कॉल्ट डू वाइल लूप इसको कहा जाता है ऑप्शन बी इज कोेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेम ऑप्शन ए इज कोेक्ट आंसर है इट इज अवलेटाइल मेमोरी इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन को देखते हैं सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल थ्री केच इज स्लोअर देन एल टू केच बट फास्टर देन रैम ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू को देखते हैं इन कार्नोज में फॉर सिंप्लीफिकेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड मुझे कंफर्म नहीं है इसको स्किप कर रहा हूँ सेवेंटी को सेवेंटी थ्री को देख सकते हैं देखते हैं सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है कि टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक्स मोस्टली यूज मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्नेशन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन सी लैंग्वेज द फंक्शनल गेट चार गेट चार तो ये जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है सी लैंग्वेज में तो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रीड्स करेक्ट करेक्टर फ्राम द कीबोर्ड विद आउट इको क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव को देखते हैं द कंप्यूटर तेट आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड बिलोंग टू डे जनरेशन फिफ्थ जनरेशन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स को देखते हैं कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स आर फाइल्स इस कार्ड इसको क्या कहा जाता है डेटा बेस कहा जाता है ऑप्शन सी इस कोेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन को देखते हैं सेवेंटी फाइव में सेवन नंबर क्वेश्चन है कि एल वन के एच इज एल वन जो है वो क्या करता है ऑप्शन यानी बर्ल्ट इन इन टू प्रोसेसर चिप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट को देखते हैं फ्लश मेमोरी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लश मेमोरी जो है ये किस चीज़ का टाइप है एलेक्ट्रिकली uh, क्वेश्चन नंबर एटी फोर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इन मोमेंट ऑफ द माउस अ मेकेनिकल माउस यूज आ रबड़ बॉल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव को देखते हैं डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम इन आ सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लो लेवल लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं मॉडल अ जनरली अपेयरनेस लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट चार्टो कॉल्ड डे मॉडल तो इसको क्या कहा जाता है इसको जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसकोरेक्ट आंसर है इसमें

कोर्डिनेट डिवेलपमेंट टू मीट रिक्वायरमेंट इज़ तो इसको क्या कहा जाता है इसको जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसको आंसर है असिस्टम एनालिस्ट कहा जाता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को जो है स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मेरे पास नहीं है नेक्स्ट जाते हैं नाइन्टी वन को असाविर का मानी है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पहले लोगों की कहानियां क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू को देखते हैं तालीन का मानी है यानी uh, नबी की अः नबी की बेटिया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री को देखते हैं नाइन्टी थ्री नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरकान की जमा क्या है रुकन अरकान जमा है रुकन का क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर को देखते हैं असातिर जो है सीगा है uh, जमा का ऑप्शन डी इसको करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 फाइव को देखते हैं 95 फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है आपको ये दिया हुआ है अमूद से uh, मुराद है क्या है सतून है ऑप्शन सी इसकोरेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स को देखते हैं नाइन्टी सिक्स को क्वेश्चन uh, जो है कि तालीन का मानी है यानी आओ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन को देखते हैं इस्लाम की बुनियाद रखी गई है पांच अरकान पर ऑप्शन सी इसको रेक्ट आंसर है इसके बाद नेक्स्ट जो है अरकब नाइनटी एट नंबर क्वेश्चन है अर्रकबब का मानी है यानी सवारी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है नाइन्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है कि नजब नहब का मानी है यानी नहब की मानी है ऑप्शन डी तेस्तर इसको करेक्ट आंसर है इसके बाद इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड आ, ये जो है आपको ये अरबी का एक आ, जो है फ़िक्र दिया हुआ है और इसका ये क्या है ये हदीस है ऑप्शन तो सी इज़ करेक्ट आंसर है तो फ्रेंड दिया था सीटीआईटी का पेपर इंशाल्लाह आज का पेपर जो हुआ है इसको भी मैं इंशाल्लाह हल करूँगा सीटी का तो फ्रेंड हमारे साथ रहेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए हमारे साथ रहेगा और हम मुझे अपनी खाद दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़